गाइस यहाँ पर अभी हम लोगों ने स्टे किया है थोड़ी देर के लिए, इसके बाद हम लोग वाटरफॉल पे रुकेंगे और ये डिफरेंट खेत है यहाँ पर। आंटी आ जाओ अपने पास, और पीछे हमारी जीप खड़ी भी है। हरीन से हाय। तो बहुत मजा आ रहा है, और अभी इसके बाद वाटरफॉल तक मैं और कहफ हम लोग जीप के ऊपर बैठ कर जाएंगे। हम लोग थोड़ा एडवेंचर करना चाह रहे थे, कुछ नया करने चाह रहे थे। हे सारू हाय बोलो। मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? और इतने खूबसूरत नजारे, इतने खूबसूरत नजारे मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, मतलब बहुत बहुत शदीद वाला मुझे मजा आ रहा है। आ जाए। अच्छा चलो ठीक है। और अभी जी हम लोग बुलाया जा रहा है, चलो। वाओ मौसम इतना अच्छा, व्यू आ रहा है ना, मतलब शाहरुख खान बन जाओ जरा। नहीं नहीं बहुत बुरा लग रहा है रहने दे यार, शाहरुख खान हमसे नाराज हो जाएगा। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी वैली है भाई। अच्छा सामा जी मजा आ रहा है? यार मौसम इसमें एक ड्रोन शॉट ले, जल्दी भी नहीं लिया जाएगा। नहीं उसको बोल दो ना स्लो स्लो करना, नहीं लिया जाएगा। हम लोग यहाँ पर बैठे होंगे और ड्रोन शॉट नहीं, कोशिश कर सकते हैं। मौसम मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। क्या है ट्राइपॉड? किसको चाहिए ट्राइपॉड? ही केबल मांग रहे हो? सॉरी हम आपको नहीं जानते, जो केबल मांग रहा है हम उसको नहीं जानते। मजा आ रहा है ना? ना हम यहाँ बैठेंगे, हम लोग एडवेंचर कर रहे हैं आप भी। वाले पॉइंट पे जाना लास्ट में, मुझे तो दो आबशार कहीं पे नहीं नजर आ रहे, पता चले अच्छा है वो है। ये क्या है भाई ऐसे ही? अच्छा मुझे लग रहा था कि शायद इसे बिजली बन रही हो, कहा इसे बनता पंखा चल रहा था इस पे। चलो ऊपर चलें, कहा और ऊपर से कितनी दूर है वो वाटरफॉल तो नजर आ रहा है, 2 मिनट का है। देसी रेफ्रिजरेटर, यही तो चीजें हैं हमारे देसी कल्चर में, कितनी इनोवेशन। हाय हाय मैं तो ये देखे हैरान हो रही हूँ, लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं। दंदासा है थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए हमें। हमारी साइकिल का बेस्ट रहेगा यार। वाओ कहा यार, यहाँ को यकीन नहीं आ रहा ना, कसम से ये वाली पेंटिंग लग रही है ना। माय गॉड भाई साहब, ये अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया इंसान के लिए यार। मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी मूवी का सेट देख रही हूँ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है हर जगह पे। कहाँ आया हमारे घर वाले? हंस के दिखाए ऐसे? नहीं 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 जुल्फकार भाई को समझाएं, मुस्कुराए उर्दू में आता मुस्कुराए, हंसने का कह रही, हंसने का कह रही। सौ काल सौ साल के आप माशाल्लाह,
पछतो नहीं आती क्या आता है दोबारा यार दोबारा मैंने कहा स्माइल वो ना दांत दिखाना शुरू करेगा दोबारा दोबारा यार कह रहे हैं वो दाढ़ दोबारा नहीं ऐसे भी होता है यार आई एम सरप्राइज अंकल क्या खाते हैं आप क्या खाते हैं क्या खाते हैं सोने बाबू अंगड़ाइयाँ ले रही है तो पता नहीं इसको क्या हुआ है आई डोंट नो कहा आ जाओ कहा 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 अभी जब तुम नहीं मुस्कुराओगी ना तो मैं पता क्या बोलूंगी उखांदा अभी हम उनको जाके करते हैं दान दिखाना शुरू हो गया हाँ दान दिखाए उसमें 70 साल लिखी हुई थी वो कह रहे मानता ना हो पता नहीं कह रहे मैं 100 साल का हूँ पता नहीं अब कितना कुछ देखा होगा मैंने यहाँ पे भीड़ तो हमारे घर वाले कहाँ हो वो देखो मौजम हम आ गए मतलब रास्ते में हमें एक 100 साल के अंकल मिले वो बोले 100 साल के हैं और उनकी गम दोबारा से निकलना शुरू हो गई है ध्यान से बहुत ही खूबसूरत नजारा है वो खांदा ये क्या था स्माइल वो खांदा इन परसो सही बोल रही हूँ वो खांदा वो खांदा मीन स्माइल दो आबशार से आने के बाद अब थोड़ा सा रेस्ट किया और साथ ही डिनर का टाइम हो गया एंड आई वाज प्रेइंग कि आज तो कुछ अच्छा खाने में मिल जाए मतलब कि टेस्टी होना चाहिए क्योंकि खाना तो मिल ही रहा था लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं था एनीवे डाइनिंग हॉल में बैठने के बाद हमें चिकन टिक्का रोटी और कोक के साथ सर्व किया गया शुक्र है कि टिक्का मसाला अच्छा था सबको खाने का भी बहुत मजा आया और साथ में गपशप भी सबने लगाई अब क्योंकि सब एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए थे तो हंसी मजाक भी खूब हुआ अभी हम लोग जा रहे हैं बॉनफायर के लिए ठंड में आज हमारा लास्ट नाइट है मिल रहा है मुझे उसने पश्तो सुना था उसमें म्यूजिक आया था Woo!
मैं अकेला हूँ। इसलिए आए हो तो जरा ये भी गला पहले जरा आप मुस्कुराइए। मुझे आगे नाइस। ये जो तेरी पायलों की चन चन है, ये जो तेरी पायलों की चन चन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। मुझे बनाएगी मेरा दिल प्यार का दीवाना, सच बोलूं तो मुझे इस सफर का बहुत मजा आया। ऐसा सफर जिसकी शुरुआत तो अच्छी नहीं थी लेकिन हैप्पी एंडिंग होने जा रही थी। आज ऐसा सफर जिसमें हम निकले तो अनजान लोगों के साथ थे लेकिन कैसे वो सब अपने लगने लगे पता ही नहीं चला। इन दो दिनों में हंसी मजाक भी था, गुस्सा भी था, पागलपन भी था और मस्ती भी थी, लेकिन साथ ही साथ इतने हसीन नज़ारों से दूर जाने का गम भी था।